कैसे हैं आप सभी। आज मैं जो है इवनिंग राइड पे आई हूँ। अभी मैं जो है भुजियाघाट पहुँचने वाली हूँ। 4 बज रहा है अभी और नैनीताल रोड में मतलब मानसून के बाद मैं आज फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। मतलब मानसून में जो है ये रोड बहुत ही सुंदर हो जाती है, एकदम चारों तरफ हरियाली। और अभी मौसम भी बहुत सही हो रहा है, बादल लगे हुए, शायद बारिश आएगी अभी। ये देखना सामने एकदम कोहरा लग गया है, पर नैनीताल लग जा रही है। नैनीताल रोड में जो है मतलब बहुत सारे बरसाती नाले हैं, तो जब इसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है तो बहुत सुंदर लगता है। मतलब पूरे रोड के किनारे इधर उधर पूरे रहते हैं। तो लास्ट ईयर की फ़ोटो लगाई है मैंने इसमें। और आसमान एकदम बहुत ही साफ़ हो गया अभी तो। मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा बादल लगे हुए थे काले काले, लेकिन एकदम से धूप आना स्टार्ट हो गई है। और जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, साताल और भीमताल वाले पहाड़ हैं। यहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कोहरा लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ से नीचे मैगी पॉइंट वाली रोड है, नीचे खेत है, पूरा एकदम हरा भरा हो रहा है, मतलब बहुत सही लग रहा है। और अभी मैं जो है भुजियाघाट से आगे पहुँच गई हूँ डोलमार वाली रोड में। डोलमार पहुँचने वाली हूँ। यहाँ पर मतलब हल्की हल्की बारिश की धूल हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे। अभी मेरे दोस्त मिले मुझे यहाँ पे, तो बता रहे थे कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले भी बारिश हो रही थी। और यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, मतलब सामने वाली जो पहाड़ी है वहाँ पे धूप आई है और यहाँ पे पूरे एकदम बादल लग रहा है, बहुत ही सही लग रहा है। अभी जो है इस साल के मानसून में जो है इस रोड में, नैनीताल वाली रोड में, मैं अभी फर्स्ट टाइम राइड कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं रामनगर वाली रोड में गई थी राइड पर। 2-3 दिन पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती थी। मतलब हल्द्वानी में 2-3 ही होती, लेकिन ऊपर को बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ही सुंदर लगती है ये रोड मानसून के टाइम पे। और जो सामने दिखाई दे रहा है बलौट है, और ऊपर ये पहाड़ पे देखना एकदम कितना सही लग रहा है, बादल और ये सब। मतलब बारिश के टाइम पे जो है नेचर में एक अलग ही ब्यूटी आ जाती है। चारों तरफ सब कुछ बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगता है, ग्रीनरी होती है एकदम, बहुत ही मज़ा आता है इसमें। आज मतलब मैं ऐसे ही शॉर्ट राइड पे आई थी इवनिंग टाइम में। अभी जो है 5 बज गए, अब मैं घर के लिए वापस जा रही हूँ। डोलमार तक आई थी आज मैं। टोटल जो है 30 किलोमीटर की राइड है मेरी आज की। बरसात के टाइम पे मतलब भुट्टा बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैंने भी यहाँ पे भुट्टा ब्रेक लिया था। घर को आते टाइम खाया था मैंने भुट्टा, बड़ा मज़ा आता है बरसात के टाइम पर। और सामने मेरा पूरा जंगल था, तो और भी सही लग रहा था। और अभी मैं जो यहाँ पे भुट्टा खा रही हूँ, बहुत ही सुंदर व्यू है सामने। अभी जो है मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठी हूँ, बहुत ही सही लग रहा है। यहाँ पे सामने पहाड़ हैं और बहुत ही सुंदर जो है बादल लगे हुए हैं। मैं सोची थी बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई अभी यहाँ पे। मतलब सामने वाली पहाड़ी में तो ऐसा हो रहा है कि धूप आ गई है और यहाँ पे एकदम पूरे बादल लगे हुए हैं। अब मैं नीचे को निकलती हूँ। चलिए दोस्तों, अब जो है वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।